अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर मिस राबिया शाही। टुडे वी आर गोइंग टू रीडिंग आर चैप्टर नंबर 1 दैट एंड इट्स नेम इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड लेक्चर नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो कि गेन किया जाता है थ्रू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। फर्दर विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस को डिवाइड किया गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में या सब्जेक्ट्स में, लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब हमारा मेन टॉपिक बायोलॉजी से रिगार्डिंग है। व्हाट इज़ बायोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। जब भी आप लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे, इट विल बी नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी हैज़ बीन डिराइव टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन लाइफ, लोगोस मीन रीजनिंग और थॉट। बायोलॉजी को मजीद मेन डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। देर आर थ्री मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी: बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, जोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वेन एवर स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर मेन डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, देन आप लोग ओनली ये तीन डिवीजन्स को एक्सप्लेन करेंगे, इनको ब्रांचेस के साथ मिक्स नहीं करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ये जो तीन डिवीजन हम लोग ने पढ़ी हैं, बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इनको फर्दर क्लासीफाइड किया गया है ब्रांचेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। वेन एवर किसी भी लिविंग थिंग का आप स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन, तो वो ऐसी क्यों नज़र आती है, इट विल बी कंसिडर, इट विल बी कम अंडर द हेड ऑफ मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट वन इज सेल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। डिफरेंट किस्म के जो लिविंग थिंग्स हैं उनके सेल के फंक्शंस को और उनके सेल्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनल्स को स्टडी करना इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जेनेटिक्स बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन्स का रोल और उनके इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र होने की फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या क्वालिटीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू अ न्यू इंडिविजुअल विल बी स्टडीड। एम्ब्रियो मीन्स न्यू सेल। न्यू सेल किस तरह से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, इन सब की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन ग्रुपिंग। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये नेमिंग है, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। पैलियोंटोलॉजी, दिस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी विल स्टडी फॉसिल्स। फॉसिल जितने भी मौजूद हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, उन सबको स्टडी करना इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच हम लोग ये स्टडी करेंगे कि एक ऑर्गेनिजम्स किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कायम करता है। इंटरेक्शन मीन किस तरह से वो रिलेट करता है, एक अपना रिलेशन कायम करेगा इन्वायरमेंट के साथ। सोशो बायोलॉजी मीन सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम। किसी भी लिविंग थिंग का इन्वायरमेंट में जो सोशल बिहेवियर है, किस तरह से वो अपना बिहेवियर शो करता है, इट विल बी कॉल्ड सोशो बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि होस्ट पे रहते हैं और उनसे फूड गेन करते हैं और इन रिटर्न उनको हार्म भी करते हैं और माइट भी समटाइम हार्म नहीं करते, हमें नुकसान पहुँचाना। इम्यूनोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, कि किस तरह से उनका इम्यून सिस्टम वर्क करता है, इम्यून सिस्टम, और किस तरह से उसको बेटर बनाया जा सकता है। एंटमोलॉजी, दिस इज अनदर सेकेंड लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन। मेडिसिन की जब भी आप स्टडी करेंगे और मेडिसिन किस तरह से तैयार की जाती है, उनका कहाँ पे एप्लीकेशन है, यूज़ क्या है, दिस विल बी कम अंडर द हेड ऑफ फार्माकोलॉजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट आर द मेन बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। आजकल कौन कौन से बायोलॉजिकल इश्यूज हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन को फेस करने पड़ रहे हैं? दिस आर ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर नंबर 1। आप इसको गो थ्रू करें, उसको लर्न करें। अल्लाह हाफिज़।